राधेश्याम प्रभु और मैं दोनों लगभग 1992 से उनके संपर्क में आए और 93 लगभग दिसंबर में हम लोग ज्वाइन हुए, 94 जनवरी। तो उस समय लगभग मेरी 22 साल की आयु थी और उसके पहले महाराज मुझे पूछ रहे थे, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो? तो उस समय मैं अमेरिका जाना चाहता था। तो मैंने उनको कहा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, और मैं ये भी जानता था कि उस समय कुछ समय मैं ऑलरेडी लेक्चर्स अटेंड कर रहा था, तो समझ गया था कि अमेरिका जाना अगर मैं कहा तो लोग कहेंगे इंद्र तृप्ति के लिए। तो मैंने कहा लेकिन मैं वहां पे जाके प्रीचिंग मिशन को असिस्ट करूंगा, क्योंकि ऐसे कॉलेज में मैं एडमिशन लूंगा जिसके आसपास कोई मंदिर वंदिर हो और वहां पर भी मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। आपकी क्या राय है? गलती से पूछ लिया मैंने। और वो गलती आज भी कर रहा हूं मैं इतने वर्षों बाद। तो महाराज ने कहा बड़ा स्ट्रेट, इफ यू वांट सेंस ग्रेटिफिकेशन गो टू अमेरिका, इफ यू वांट कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टे इन इंडिया। तो मेरे को बड़ा धक्का लगा, मैं अपेक्षा नहीं किया कि इतना स्पष्ट उत्तर मिलेगा, क्योंकि मैंने सुना था तब तक महाराज सबको एनकरेज करते अपने अपने इच्छा अनुसार, इंस्पायर करते हैं। तो ऐसी अपेक्षा करके मैंने पूछ लिया था, लेकिन महाराज ने ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट उत्तर दिया कि फिर मैं भी इतना निर्लज नहीं था कि मैं कहूं नहीं नहीं फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन ही ठीक है। तो इतना ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, तो फिर मैंने कहा ठीक है वापस सोचता हूं। और फिर 2-4 महीने के बाद महाराज फिर एक दूसरे प्रोग्राम में मिले और कुछ चर्चा हो रही थी, फिर महाराज ने पूछा क्या सोचा है तुमने? तो मैंने कहा अभी भी सोच ही रहा हूं। तो महाराज ने कहा हमारे आश्रम में लकड़ी के कठोर लॉकर आपके शरीर के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग का उस समय ऐसा लकड़ी का लॉकर था, वो बेड भी था और खुलता था तो वो लॉकर था, अंदर बंद होता था तो बिस्तर है कि नहीं। तो ऐसा वो अजीबोगरीब एक सिस्टम था वो, तो हर एक बिस्तर पे 2-3 लॉकर थे, अगर आप सोए हो और दूसरे का कोई काम है तो फिर वो बोलेगा करवट बदल थोड़ा और खोलेगा फिर वो लेके जाएगा सामान। तो ये भी बिल्कुल डायरेक्ट कि आ जाओ अंदर, तो पहले से अपना थोड़ा अलग ही रस रहा है जो भी है डायरेक्ट। तो उसके बाद फिर मैं कुरुक्षेत्र गया था हम लोग का कोई मेडिकल कैंप के लिए, तो उस समय पूरे यात्रा में मैं ही एक अकेला IOS का था, तो उसका परिणाम यह था कि 90% सारा सेवा मुझे ही करना पड़ता था। तो सुबह से लेकर रात तक चलता था, लेकिन हमारे 2 रूम पार्टनर जिनके साथ मैं रह रहा था वहां कुरुक्षेत्र में, एक थे सुखदेव महाराज, दूसरे थे कृष्णानंद प्रभु। तो ऐसा खतरनाक संघ के बाद भी अगर वैराग्य ना आए तो फिर वो तो केवल पत्थर ही हो सकता है। तो उस समय मैं सुखदेव महाराज से पहली बार परिचित हुआ था, ये बिल्कुल बाबरी मस्जिद के 10 दिन पहले, December 5 को हुआ बाबरी मस्जिद का, 1992 दिसंबर। तो ये लगभग नवंबर में हम लोग गए थे और बाबरी मस्जिद तोड़ने के अगले दिन फिर मैं ट्रेन में रिटर्न आया था 6 तारीख को। तब मेरे को कुछ मालूम नहीं था कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, रिटर्न ट्रेन में बहुत चर्चा हो रही है, बोले क्या हो गया? अरे मस्जिद तोड़ गया। अच्छा कहां पे? तो अपना ऑलरेडी एक अलग हम लोग दुनिया में प्रवेश कर गए थे। तो मैंने महाराज जी को पूछा कि आपने क्या कोर्स किया? तो उन्होंने कहा मैं तो MBBS किया हूं आंध्र से, लेकिन MD किया हूं अमेरिका से। फिर मैंने कहा छोड़ दिया? कहा छोड़ दिया, क्यों? रखा ही क्या है वहां पर?
फिर कृष्णानंद प्रभु बोले बीटेक किया हाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और एमटेक किया अमेरिका से, छोड़ दिया। मैं दोनों को देख रहा था, अरे दोनों छोड़ छाड़ के यहीं बैठे हुए हैं तो मैं क्यों जाऊं। तो उस समय राधानाथ महाराज जी वहां आए और उस समय हम लोग की करीब 25-30 भक्तों की टोली थी, उनके साथ यात्रा हो रही थी। तो रोज परिक्रमा में लेके जाते थे कुरुक्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर, फिर शाम के समय मेडिकल कैंप, बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता था। तो लगभग उस कुरुक्षेत्र की यात्रा में महाराज के लेक्चर सुन के और उनका एसोसिएशन पा के लगभग मैंने विचार कर लिया था कि अब फुल टाइम ही ज्वाइन होना है।